आप लोगों का बजट है 10,000 का एंड आप लोग लेने का सोच रहे हो टेक्नो पोवा को, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पर टेक्नो पोवा फोन के अंदर कॉस्ट कटिंग की गई है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको जान लेने चाहिए अगर आप लोग इस फोन को परचेज करने वाले हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में लेना कि भाई मैं टेक्नो को बता रहा हूँ कि आपने कॉस्ट कटिंग कहाँ पर करी है, तो आगे जाकर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसको एज ए फीडबैक वीडियो लेना, ये नहीं कि भाई मैं हेट कर रहा हूँ या कुछ और, मतलब ऐसे समझना और समझना समझ लेना, डिसलाइक कर देना। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पर टेक्नो ने कॉस्ट कटिंग करी है एंड मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए अगर आप लोग इस फोन को लेने वाले हो। मान लो आपको ऐसे कोई मतलब बढ़िया फोन चाहिए जहाँ पर आपको डिस्प्ले सबसे बेस्ट चाहिए अपने प्राइस के हिसाब से, तो आप लोगों के लिए फोन नहीं है, तो ऐसी मतलब कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि भाई बाद में आपको लगे कि यार मैंने तो डिस्प्ले के लिए लिया था इस फोन को एंड इसकी डिस्प्ले HD+ के लिए, तो मतलब ऐसी कुछ कमियां या ऐसी कुछ चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए अगर आप लोग इस फोन को परचेज करने वाले हो। एंड वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना जैसा मैंने आपको बताया दिया, एंड नेगेटिव में लेना चाहते हो तो ले लेना भाई, क्या है डिसलाइक कर दो और क्या भाई, बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे वीडियो किस मोटिव से बनी है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, दोस्तों के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अभी चलते हैं अपनी कमी नंबर एक की तरफ, यानी कि इस फोन में कहां पर कॉस्ट कटिंग करी है। तो यहां पर आपकी डिस्प्ले के अंदर एक काफी बड़ी कॉस्ट कटिंग करी गई है। हाँ, डिस्प्ले दिखने में अच्छे भाई, पंच होल वगैरह मिल जाता है, फोन दिखने में भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है 6.8 इंचेस के अराउंड की, तो मतलब उधर कोई कमी नहीं है। बट यार जब आपकी जितनी बड़ी डिस्प्ले होती है ना एंड उसके अंदर आपका रेजोल्यूशन अगर कम होता है तो आपको पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। तो मतलब जितनी बड़ी डिस्प्ले है ना तो उसके अंदर आपको उतना ज्यादा रेजोल्यूशन देना चाहिए, ये चीज होती है सही। बाकी इस फोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले तो मिल जाती है पर इधर आपको HD+ का पैनल मिलता है या HD पैनल मिलता है, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। भाई आप बड़ी डिस्प्ले दे रहे हो 6.8 इंच के अराउंड की, तो आपको इधर फुल HD का पैनल देना चाहिए था जो Redmi 9 Prime आपको इस प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर देता है। वाको भी 920 तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट भाई वो बाकी की चीजें भी तो इससे अच्छी प्रोवाइड कर देता है। तो ये चीज भाई हर जगह कॉस्ट कटिंग वगैरह की जाती है, कुछ जगह करी जाती है जहाँ हम लोग देख लेते हैं, बाकी कुछ जगह ऐसी करी जाती है जहाँ हमको आगे जाके पता चलता है। जैसे कि मान लो किसी का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, UI इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, फोन ले लिया उसके बाद पता चलता है कि भाई बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब यूज कर रहे हैं तो उसकी बैटरी जल्दी खराब हो रही है फोन की। जैसे मैंने भाई एक्सपेरिमेंट लिया तो मेरी ना दीदी यूज कर रही है नोट 4 अभी भी एंड उसके अंदर आज तक एक भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई कुछ भी दिक्कत होगी, बैटरी ड्रेन का भी इशू उसके अंदर आ रहा है, ऐसा एक भी दिक्कत नहीं है उस फोन के अंदर। हाँ फट रहा था वो अलग बात है, बट हमारा वाला नहीं फटा। तो ये सीन है भाई, मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, मैं बता रहा हूँ 1.5-2 साल हो मेरे को फोन यूज करते, बैटरी मैंने चेंज करा ली, मतलब भाई दिक्कत है। एंड मतलब डिस्प्ले में भी इस पर कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं तो गिरते ही खत्म है ये फोन में, हर बार बताती है इसकी ओर क्यों हाथ करना, इसकी ओर करना चाहिए। तो J7 Prime में बेचारा बिकर सैमसंग कह रहे हमने क्या कर दिया तो ये जो बता रहा हूँ मैं एक्सपेरिमेंट भाई गिरते ही खत्म हो जाता है। ये थोड़ी वो चीजें होती है जो मतलब आपको यूज करने के बाद पता चलती है, बाकी जो मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको यही है कि आपको टेक्नो पोवा के अंदर HD+ की डिस्प्ले मिलती है, आपको फुल HD+ का पैनल नहीं मिलता, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। बाकी चलते हैं अपनी कमी नंबर 2 की तरफ। तो मैं जो कमी नंबर 2 आती है वो आती है भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी कमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2020 भी खत्म ही हो गया बस, मतलब कोरोना चलते चलते कभी खत्म हो गया पता ही नहीं चला, एंड अभी भी माइक्रो USB दे रहे हैं मतलब भाई टाइप सी देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई देना ही चाहिए टाइप सी यार, वो काफी सही रहेगा। 10,000 का फोन है एंड उसके अंदर अगर आप लोग टाइप सी नहीं दे रहे हो तो ये चीज मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेकार कर रहे हो। तो दो भाई टाइप सी वो काफी ज्यादा अच्छा है, माइक्रो USB दे दे तो वो चीज मतलब मेरे को इतनी पसंद नहीं आती, टाइप सी देना चाहिए था टेक्नो पोवा के अंदर। अभी चलते हैं अपनी तीसरी कमी की तरफ। तो हमारी जो तीसरी कमी आती है वो आती है भाई इसका UI। तो इसका जो UI है ना HIOS वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, वहां पर आपको मतलब फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, सिस्टम क्रैश वगैरह होता रहेगा, जो आपकी एप्स वगैरह स्टॉप होती रहेगी, तो ये सारी से मतलब आपको एक तगड़ा सा मजा नहीं आने वाला। ऑन पेपर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह अच्छी मिल जाती है, बट आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है एंड आपको पता होगा भाई सॉफ्टवेयर का कितना बड़ा एक्सपीरियंस होता है या कितनी अहमियत होती है अगर आपने पिक्सल यूज करें, क्योंकि पिक्सल का भाई सॉफ्टवेयर का ही जादू होता है, जिस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होता है। एंड मतलब जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड है आईफोन वगैरह या मतलब सैमसंग भी अपने फ्लैगशिप वगैरह पे ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देती है, मतलब वही सीन है कि यार मतलब यहाँ पे आपको UI इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं मिलता एंड आपको मतलब सजेस्टेड ऐप वगैरह आ रही है ऐड के तौर पे, तो ये सारी चीजें मतलब इतना कुछ आपको मजा नहीं आने वाला UI के साथ। स्टॉक UI देते या स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह प्रोवाइड करते तो काफी ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहता। तो चलते हैं अभी अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 4 आता हुआ था भाई कैमरा, इस फोन के अंदर आपको ना एक एवरेज से ही कैमरा मिलता है, मतलब प्राइस के हिसाब से एवरेज से थोड़े से कम आपको मिलते हैं प्राइस के हिसाब से, ऐसे कुछ टॉप क्लास के कैमरे नहीं मिलते एंड ऑप्टिमाइजेशन पे वैसे भाई टेक्नो वगैरह कुछ टेक्नो क्या इस प्राइस सेगमेंट भाई कोई भी ध्यान ब्रांड ध्यान नहीं देते ऑप्टिमाइजेशन पे इतना कुछ ज्यादा,
कुछ है जो थोड़ा बहुत देती है, कुछ है जो बिल्कुल नहीं देती, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन पे इधर आपको कुछ चार चांद लगा के दे दी। मैं 15,000 के फोन पे नहीं दे रही कंपनी, 17-18 पे थोड़ा बहुत दे देती है, हाँ उधर दे देती है। 15,000 के फोन पे भी ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट हम 10,000 पे तो खुल गया। बट स्टिल यार आपको प्राइस के हिसाब से इतना कुछ बेटर कैमरा नहीं मिलता इस फोन के अंदर। बाकी अगर आपकी ना प्रायोरिटी कैमरा ही है 10,000 के फोन के अंदर, तो आप लोग रेडमी नोट 7 प्रो वगैरह ले सकते हो। उसके कैमरा भाई आपको ओपी मिल जाता है अपने प्राइस के हिसाब से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको कैमरा वगैरह से रिलेटेड। आपको प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड जो मतलब आपकी आउटपुट है वो काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। मतलब नार्जो के अंदर भी आपको मिल जाता है, नार्जो 20 के अंदर 48, बट वो उसकी टक्कर का नहीं है नोट 7 प्रो वाले की। नोट 7 प्रो का एक अलग ही लेवल का कैमरा है, वो आप लोगों को पता होगा जिन्होंने यूज करा है, एंड ओपी है मतलब कैमरे के मामले में नोट 7 प्रो। तो अगर आपकी कैमरा ही प्रायोरिटी है तब आप लोग मतलब नोट 7 प्रो वगैरह ले लो। बाकी फोन के अंदर आपको एक डिसेंट सही कैमरे मिलते हैं, ऐसा कुछ छप्पड़ फाड़ के मतलब ऐसे कुछ ओपी चीज नहीं थी कैमरे के अंदर, एंड मतलब अल्ट्रा वाइड वगैरह भी नहीं मिलता। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी कि भाई 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ पकड़ा दिया, एंड वो QVGA का AI नाम का, तो इधर आपको ऐसे अल्ट्रा वाइड वगैरह में भी कॉस्ट कटिंग की गई है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बता लगी इस फोन के साथ। तो अभी चलते हमने पॉइंट नंबर 5th की तरफ। तो हमारे जो पॉइंट नंबर 5th आता है, तो भाई वो आता है ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। ये मेरा पर्सनली है, मतलब कि भाई मैं ना पहले कोई सी ब्रांड के फोन नहीं रहता, मतलब मैं स्टार्टिंग में था यूट्यूब पर, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को ऐसे ब्रांड वगैरह का नहीं होता था, मेरे को भाई स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यू फॉर मनी से मतलब हुआ करता था। बट धीरे धीरे जैसे मतलब मैं समझ रहा हूँ चीजें, तो मेरे को ये ब्रांड मैटर कर रही है धीरे धीरे। अब मतलब मेरे लिए ना मिनिमम कोई फोन हो तो भाई वो एसस हो, मतलब ब्रांड वैल्यू में, उसके नीचे के फोन मैं नहीं देखना चाहता। मतलब कि भाई रियलमी रेडमी वगैरह ये सब ठीक है, एसस वगैरह ठीक है, बट हाँ टेक्नो इन्फिनिक्स एंड ये आईटेल वगैरह जैसी ये ब्रांड होगी, लेनोवो हो गया, मतलब इन सब की तरफ मैं थोड़ा सा कम ही वो रहता है कि भाई मतलब ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, आप लोगों का अलग हो सकता है। क्या पता आप लोग स्टिल अभी भी वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, मतलब हो सकता है वो आप लोगों के लिए है अलग चीज, बट हमें थोड़ी सी ब्रांड अब मैटर करने लग गई। एंड उसी के साथ ना भाई अपडेट वगैरह का भी इशू आ जाता है, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं कि इन्फिनिक्स या टेक्नो मतलब ये आईटेल वगैरह कैसा अपडेट पे ध्यान देते, किसी किसी फोन पे देते होंगे, बट मेरा ट्रस्ट नहीं अपडेट वगैरह के मामले में इतना कुछ ज्यादा इन फोन पे। तो वो चीजें चाइनीज ब्रांड भी आपको मिलती है, तो वो आपके ऊपर है कि भाई आप चाइनीज फोन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, टेक्नो आपको चाइनीज ब्रांड मिलती है। एंड अपडेट वगैरह पे भी ऐसा कुछ मतलब ऐसे टाइम टू टाइम वगैरह कभी मन करा तो दे दिया, बग्स वगैरह भी होंगे उसके अंदर, बग्स निकालने के लिए जब दूसरा अपडेट देंगे उसके अंदर दूसरे बग्स होंगे, ऐसा सीन रहने वाला है। तो थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो अपडेट वगैरह में भी थोड़ा सा इनका हाथ तंग ही रहता है सिक्योरिटी वगैरह के मामले में, एंड्रॉइड वगैरह के मामले में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो भी तक देख रहे हो तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, एंड सभी तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाकी इसी पॉइंट के अंदर ना हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं भाई, सर्विस सेंटर का। मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग सर्विस सेंटर पे जाते भी या नहीं जाते, या मतलब आप लोग दुकान पे ही मतलब ऐसे ही किसी पे ठीक करा लेते हो, बट हाँ मैं स्टार्टिंग में लेकर जाता हूँ 1 साल के अंदर, उसके बाद मैं भी दुकान पे ठीक करा लेता हूँ फोन को, जब 1 साल की वारंटी वगैरह होती है तभी जाता हूँ मैं, उसके बाद नहीं जाता मैं। इसी ना मेरे को नहीं पता कि भाई टेक्नो का क्या सीन है, मेरे हिसाब से उतना कुछ तगड़ा भी नहीं होगा सर्विस सेंटर का। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है भाई टेक्नो या इन्फिनिक्स या आईटेल वगैरह के सर्विस सेंटर कि आप गए हो एंड आपको कैसी सर्विस मिली है, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मतलब मेरे को नहीं पता इस मामले के अंदर कि इनकी सर्विस कैसी है, एंड मतलब जब आप सर्विस सेंटर वगैरह जाओगे तो क्या सीन रहने वाला है। तो अगर आप लोग कभी गए हो तो मुझसे या मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एंड बताओ कि भाई आपको मतलब फोन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर्विस सेंटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड इन बच्चों का शोर आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ तो वही यार कि मतलब आपका सर्विस सेंटर पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो चीज आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग गए हो या आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो शेयर। बाकी ना कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई बुराई बुराई करता है बंदा, तो ऐसे ही हो जो नए लोग होंगे, ऐसा सीन है भाई, हमने काफी सारी वीडियोज और बनाई है, टेक्नो कंपेरिजन वगैरह भी करा है, एंड मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि मतलब आपको प्राइस के हिसाब से बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। तो अगर आप लोग को बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, आपको फर्क नहीं HD फुल HD से, बट आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तब आप लोग इस फोन इधर जा सकते हो, दिखने में अच्छा फोन मिल जाता है, पंच होल वगैरह मिल जाते हैं, प्राइस के हिसाब से आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, बैटरी अच्छी मिल जाती है 6000 mAh की, उधर भी कोई दिक्कत नहीं, फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये जो 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एंड अगर आप लोग को बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, अगर आपको बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाए एंड बढ़िया बैटरी मिल जाए, तब आप लोग इस फोन को ले सकते हो भाई, एंड आपको ब्रांड वगैरह कैसा कोई फर्क हो रहा है ना हो तब आप लोग इस फोन को ले सकते हो। वैसे अगर आपको लग रहा है ना कि ब्रांड वाला इशू में ज्यादा ही हाईलाइट कर रहा हूँ, तो किसी भी एक यूट्यूबर से बोलो कि भाई ये टेक्नो का फोन है, एंड इसके अंदर अपनी यूट्यूब की आईडी लॉगिन कर लो, तो फिर बता देना, मतलब उसकी नहीं कह रहा कि भाई जिसके अभी मतलब 10-20 सब्सक्राइबर, बट हाँ जो 10,000-20,000 के आसपास है टेक फील्ड के अंदर है, तो उससे अगर आप बोलोगे कि भाई अपनी आईडी लॉगिन कर दे टेक्नो के फोन के अंदर, एंड फिर उसका रिएक्शन देखना, मतलब कि
फोन में आईडी लगी वो भी यूट्यूब वाली, एक बार को इंस्टा कर देगा बट हाँ टेक्नो मतलब अपने जो यूट्यूब चैनल है उसकी आईडी नहीं करेगा। तो आई होप मतलब मेरे लग रहा है कि आप लोग समझे होंगे कि ब्रांड इशू कितनी बड़ी चीज है, मतलब ट्रस्ट वाली बात हो जाती है ये चीज। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, आपको ये कमियां मतलब डील ब्रेकिंग कमी लगी, आपको एक डिसेंसी कमी लगी, हाँ भाई कॉस्ट कटिंग करिए हर ब्रांड करती रहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलता है किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।